सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया साधना के महापर्व को साथ है लाया सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। हर्ष के समय कन्नौज भारत की राजधानी थी। दिल्ली तो 1912 में पहली बार भारत की राजधानी अंग्रेजों ने बनाई है, वो भी आधे भारत की, क्योंकि 600 रियासतों से अंग्रेजों की संधि थी और वो अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, केवल अंग्रेजों से उनकी थोड़ी सी अपमानकारक संधि थी। इसका फर्क समझिए, क्योंकि अगर संधि को हम गुलामी कहेंगे तो भारत तो आज भी बहुत अपमानकारक संधि किए हुए हैं। पहले रूस से बड़ी अपमानकारक संधियाँ थी हमारी, अब अमेरिका और जर्मनी और फ्रांस और इंग्लैंड से बड़ी अपमानकारक संधियाँ हैं, तो उसको तो गुलाम तकनीकी दृश्य नहीं कहेंगे, भावात्मक रूप से भाषण में आप भले कह दें। जिस प्रकार वर्तमान भारत गुलाम नहीं है, उसी प्रकार 1912 से 1947 का भारत भी वस्तुतः गुलाम नहीं है, लेकिन उसका आधा हिस्सा ब्रिटिश आधिपत्य में है और केवल 35 वर्ष है। अब ये तथ्य न जानने के कारण तो अब प्रश्न ये है कि फिर ये इतिहास जो लिखा जा रहा है उसे ठीक कैसे करें। पहली बात तो यह है कि ये कौन ठीक करेगा। जो लोग शासन में आए हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर के जरिए शासन में आए हैं और उनसे ये, जैसा मैंने पहले दिन भी कहा था, लोकतंत्र में वोट के कारण ये जो हम लोग कहने लगे हैं, जिसे कहेंगे तामसिक अद्वैतवाद या तामसिक अभेदवाद, अपने को वर्तमान शासकों से एकाकार करके देखना तमस, इस भ्रम में रहना कि भारत में हमारा धर्मनिष्ठ हिंदुओं का राज्य है, तमस है, अज्ञान है। भारत में यूरो क्रिश्चियन शासन के उत्तराधिकारी विद्यावंशधरों का राज्य है अभी, और उसे परिवर्तित करने के लिए राजनीति के जो सनातन नियम रहे हैं उनके अनुसार चलना पड़ेगा, वो अभी का विषय नहीं है। तो पहला तो आप ये भ्रम पाल लेते हैं कि हम शासन में हैं, चूँकि हम एक तो वोट देते हैं, MLA MP बनाते हैं, MLA MP की बहुत कम हैसियत है, राज्य बहुत बड़ी चीज़ है, राज्य जैसा मैंने पहले दिन बताया था। दूसरी बात यह है कि फिर उसके आधार पर जो कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है तो हम गलत हैं, ये दृष्टि देखिए बाकी विषयों में भी आती है, वहाँ ये हो रहा है, गोमांस का निर्यात हो रहा है तो हम भी दोषी हैं, ऐसे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इतिहास ये बताता है कि आत्मग्लानि और हीनता या अवसाद या निराशा के द्वारा कभी भी कोई समाज आगे नहीं बढ़ पाता, नंबर एक। इसलिए कृपा करके आपस में चर्चा चाहे जितनी करें परंतु समाज में एक भी वाक्य ऐसा न बोलें जो भारतीय समाज के दोषों को तो बताए और गुणों का गौरवगान न करे, अन्यथा आप ज़्यादा अपराधी हैं गोहत्यारे के समान ही, ये समझ लीजिए। क्योंकि ऐसा कोई ग्लानि का कारण नहीं है, विश्व इतिहास में विभिन्न जिन समाजों पर हम इतने मुग्ध हैं उसमें इससे ज़्यादा बुराइयाँ, इससे ज़्यादा कुप्रथाएँ भयंकर रहे हैं, उनका अभी वर्णन का समय नहीं है, आप पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। वो तो अपनी दिन रात निंदा नहीं करते, इंग्लैंड और यूरोप तो इस बात के लिए निंदा नहीं करता कि 20वीं शताब्दी तक हम स्त्री में आत्मा मानते ही नहीं थे, 20वीं शताब्दी के आरंभ तक, और स्त्रियों को डायने कह के, और अगर कोई स्वतंत्र स्त्री है पादरी की वशवर्ती नहीं है, उससे अकेले में दुराचरण के लिए तैयार नहीं होती तो उसको जिंदा जला देते हैं और खौलते कड़ाह के तेल में खौलाते हैं, घोड़े की पूँछ में बांध के सड़कों पर दौड़ाते हैं और इसको धर्माज्ञा कहते हैं। ये भी नहीं कि कोई आतताई या गुंडा ये कर रहा है, रिलीजियस ऑर्डर के रूप में ये सब होता था, स्त्रियों के साथ भेदभाव होते थे, एक से एक बर्बरता होती थी, तो स्वयं यूरोपियंस ने लिखा है, तो उसमें तो वो इतनी अब तो चर्चा नहीं करते कि हम इतने अधम थे और हम इतने नीच थे और इसी का हाय हाय करते रहें। आधुनिक राजनीति में तो वो आधुनिक प्रश्नों की बात करते हैं। तो कृपा करके इस विषय में मैं अश्विनी कुमार जी पर अवश्य मुग्ध हूँ कि उन्होंने जिन्होंने सचमुच कश्मीरी पंडितों ने यंत्रणाएं झेली हैं, बहुत गहरे कष्ट झेले हैं, लेकिन जब वो बोले तो एक वीर की तरह, एक तेजस्वी व्यक्ति की तरह बोले, और उन्होंने जो अगर आधुनिक एक कवि ने भी कहा है, दर्द जब गुमसुम पलेगा तभी इस्पात बन ढलेगा। अगर आप में दुख गहरा है तो आपकी वाणी इस्पात की तरह फौलादी होनी चाहिए। कब तक आप अपने दुख को बाहर दिखाते रहेंगे, दुख को भीतर पालिए और समाज में उत्साह का संचार करिए। राजनीति में उत्साह, इतिहास ये बताता है कि भारतीय राजाओं का मुख्य लक्षण माना जाता था महोत्साह हो महाबलह महावीर्यो आदि। यदि आप में उत्साह नहीं है तो कृपा कर राजनीति छोड़ दीजिए। यदि आप समाज में राजनीति में
उत्साह नहीं पैदा कर सकते तो राजनीति करना हिंदू दृष्टि से आप बंद कर दीजिए। हिंदू राजनीति वही है, इतिहास बताता है, जो कि समाज में अभूतपूर्व उत्साह का संचार करे, यह दिखाए कि समाज में तो अद्भुत धर्म जागरण हो रहा है। उधर स्वामी रामदेव जी हैं और बहुत सारे, कल आपने माता अमृतानंदमयी की बात बताई, स्वयं सनातन संस्था है, श्री श्री रविशंकर महाराज हैं, इतने सारे संत बैठे हैं, इन सबके नेतृत्व में भारत में अद्भुत धर्म जागरण हो रहा है, अद्वितीय आध्यात्मिक चेतना फैल रही है। और इन असुरों का, इन आतताइयों का यथा समय यथोचित ढंग से, कभी नरम बोल के कभी मीठा बोल के, राजनीति में तो छल और सभी कुछ करना पड़ता है, वो सब करते हुए यथा समय जो उसके विशेषज्ञ हैं वो करेंगे, समाज के समक्ष ग्लानि की कोई बातें नहीं हैं। तो इतिहास वो लोग नहीं लिखेंगे, जो अभी लिख रहे हैं वो यूरो क्रिश्चियन एजेंट हैं, और उनसे हम ये आशा ना करें कि देखो इन्होंने इतिहास में ये गड़बड़ी कर दी। अलग स्वतंत्र विद्या केंद्र होने चाहिए जहाँ से अपने इतिहास के ग्रंथ रचे जाने चाहिए भारतीय गौरव के साथ। इसमें हो सके तो उन राजाओं का सहयोग लेना चाहिए, आज नहीं तो कल, जिन राजाओं ने 1947 तक स्वतंत्र भारत पर शासन किया, जिसमें त्रावणकोर कोचीन के महाराज भी शामिल हैं, अनेक राजा हैं जिनके से केवल संधि थी। और हमको ये जो सोशलिस्ट पैटर्न पे गालियां दे दी गई हैं बड़े बड़े राजाओं को, उससे अपने को दूर करना चाहिए। हमारे राजाओं ने बड़ी वीरता से देश पे 1947 तक बहुत से राजाओं ने शासन किया। और जहाँ तक इस्लाम की बात है, इतिहास हमें ये भी बताता है, फिर हम कुछ तथ्य बता देंगे, कि वस्तुतः तो दैवाधीन ही है जगत। अगर हम यही भूल गए तो हिंदू दृष्टि तो फिर नहीं है। एक सूक्ष्म सत्ता निरंतर जगत को चला रही है, और अब तो विज्ञान ने भी देख लिया है कि बहुत सारी सभ्यताएं लॉस्ट सिविलाइजेशंस पर, ढेरों, यूरोप इस समय बहुत प्रचंड पराक्रम कर रहा है बौद्धिक क्षेत्र में, लॉस्ट सिविलाइजेशन, विलुप्त सभ्यताओं पर अनेक ग्रंथ आए हैं जिन्होंने ये जो अभी की बौद्धिक ढांचा है यूरोप का, उसको तहस नहस कर दिया है। उसमें उन्होंने बताया है कि लाखों वर्ष से मानवीय सभ्यताएं रह रही हैं, प्राचीन सभ्यताएं एक से एक उन्नत थीं, और उनके पास विमान भी थे, वैज्ञानिक शक्तियां भी थीं, भारत भी उनमें से एक है, इसके पक्ष में प्रमाण आ रहे हैं। तो ऐसी लाखों वर्ष प्राचीन सभ्यताओं का एक अविराम क्रम चल रहा है, और इसमें आरोह अवरोह आते रहते हैं काल प्रवाहवश। हम क्यों हार गए, इसका अनुसंधान बौद्धिक विमर्श के लिए तो ठीक है, लेकिन वस्तुतः ये काल प्रवाह है। क्योंकि इंग्लैंड में अगर ऐसे ही कोई अद्वितीय गुण थे तो आज तो उससे अधिक गुण है ना, आज कहाँ है इंग्लैंड। इंग्लैंड के पास आप तो पहले तो विज्ञान भी नहीं था, जब वो यहाँ आए हैं तो लफंगे से थे। ये क्लाइव 19 साल का छोकरा था, आवारा बेरोजगार छोकरा, आपको तो इतिहास पता ही नहीं है, उन पर स्वयं वहाँ अभियोग चले हैं और वो आके भारत में छा गए। तो ये काल प्रवाह है, इसके लिए बहुत आत्मधिक्कार न करें कि हम में ये कमी थी वो कमी थी, और एक विराट काल प्रवाह है। और अंततः तो जो परम चैतन्य सत्ता है वही तय करती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तब ये प्रश्न उठेगा कि साहब अगर वही करती हैं तो फिर हम क्या करें। भाई हम तो इसलिए करें कि हम मनुष्य अगर बने हैं तो पूर्व जन्मों के पुण्य से भारत भूमि पर मनुष्य बने हैं, और अगर हमने वो नहीं किया जो हमारा धर्म है, स्वधर्म का पालन नहीं किया, तो अगले जन्म या तो हम भी मुसलमान ईसाई या ऐसे ही कोई पापाचारी होंगे, और या फिर कुछ उल्लू गधा भेड़ कुछ बकरी इस तरह का होंगे। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। हमें पुरुषार्थ इसलिए करना है कि ये जो मनुष्य योनि में हमने जन्म लिया है, आगे इससे बेहतर और उन्नत मनुष्य होकर पैदा हों। ये नहीं, इतना गर्व मत पालें कि हम ही देश चला रहे हैं, ये संपूर्ण दल संगठन सब इसी समाज के आशीर्वाद से और काल पुरुष के आशीर्वाद से चलते हैं। अंततः विश्व का संचालन चैतन्य सत्ता करती है, और हम स्वधर्म पालन के रूप में बुद्धि के स्तर पर इन सब चीज़ों को समझ के पुरुषार्थ करें। सनातन धर्म सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा छात्र वीरो उठो